हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पंजाब और सिंध के बहुत सारे इलाके हैं जो स्मॉग में जकड़ गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं, हेल्थ की इम्प्लिकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस आजकल सामने आ रही हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर परवेज़ अमीर साहब हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के, प्राइम मिनिस्टर जब गिलानी साहब थे उनकी क्लाइमेट चेंज पे थे। फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे हमें, और फ़ोन लाइन पे ही हमें ज्वाइन करेंगे अजीज़ सदीक साहब लाहौर से, जो एक लॉयर हैं और जिन्होंने काफ़ी केसेस किए हुए हैं अगेंस्ट द पंजाब गवर्नमेंट ऑन द इम्प्लिकेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो क्लाइमेट पे हो रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मुश्ताक घुमन साहब, ही विल टेल अस अबाउट द पावर सेक्टर और क्यों ट्रिपिंग हो रही है, और साथ उनके आमिर साहब हैं, आमिर सईद साहब, वो भी बिजनेस रिकॉर्डर के हैं, उनकी बीट है क्लाइमेट चेंज, और वो हमें बताएंगे कि क्या हमारी ट्रेड में अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ आर फेलियर टू मीट क्लाइमेट चेंज कन्वेंशंस। तो शुरू करेंगे हम डॉक्टर परवेज़ अमीर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये स्मॉग क्यों हुई है, what is the cause of smog? Smog ke prime reason Johnson ji wo aerosol concentration hai jo ke India aur Pakistan mein jiske crop residues hain, particularly jo rice ke crop hai usko bhi humne finalize kiya hai aur usko hum turnaround time kam karne ke liye log jo humse na usko dadadad jalate hain. Hindustan mein bhi yahi ho raha hai, Pakistan mein bhi yahi hota hai, to wo usko jalane se pe kilns ke andar jo humse ye bhatte hain inke andar bhi jo humse bahut rapid burning hoti hai ये रेजिड्यू की, उसकी वजह से स्मॉग का जॉनसन फिनोमेना जॉनसन वो पड़ता है और यही मेन इसका रीजन है। अभी कोई चंद रोज पहले कोई कह रहा था जी मिडिल ईस्ट से जॉनसन है ना, वहां से जो ये डस्ट स्टॉर्म्स आती हैं उस वजह से होता है। मेरे ख्याल वो फारफेस्ट आईडिया है, प्राइमरीली जॉनसन है, ये लोकलाइज फिनोमेना है इस एरिया का और यही इसका मेन रीजन जॉनसन है, वही इसका मेन रीजन है। सेकेंडली फिर दूसरे जॉनसन आते हैं आपके के जी वो वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, तो जैसे 25 टाइम ज्यादा जो पोल्यूशन नजर आ रही है, तो सारे के सारे को मैं लुबेल बाब यही कहूंगा कि एरोसोल्स हैं जो इसका मेन कल्प्रिट होता है ना, ये क्रॉपिंग पैटर्न है जो राइस और वीट का है। जल्दी जल्दी वीट को काटो और जल्दी जल्दी जमीन को साफ करो और उसके गैसेंसी ना अपनी गंदम। ये रिलेटिवली नया फिनोमेना है डॉक्टर साहब, ये कोई मेरे ख्याल में 10-12 साल का है, पहले तो नहीं होता था। तो ये जो एरोसोल जो आप बता रहे हैं ये अभी रिसेंट रिसेंटली यूज शुरू हुआ है इसका ज्यादा? नहीं, ये देखो ये पोल्यूशन है, बेसिकली इट्स पोल्यूशन, लेकिन उसका मेन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है यही है जॉन सी, ये क्रॉप रेजिड्यू की बर्निंग है। पहले जो प्रैक्टिसेस थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसको आपने टिलेज वो उसकी वजह से कर लेते थे, और टेम्परेचर जो है ना ये एक ऑल्सो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है कि सर्दी तो होती नहीं पैदा, बहुत कम पीरियड में सर्दी होती है। शुरू में आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर में आपको बिल्कुल ठिठरते थे लोग और जो है रजाइयां लेते थे, अभी तो ऐसे कोई लाहौर में भी किसी जगह ऐसा नहीं है, और जो इसका पीरियड है वो बहुत कम हो गया, इस वजह से जो क्रॉप की साइकिल है ना वो भी चेंज हो रही है बहुत तेजी के साथ। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोशिश यही है कि जितनी जल्दी ये राइस को फारक करो और उसकी जगह गंदम जॉनसन है वो लगाने की कोशिश करो। तो इस अगर ये क्रॉपिंग पैटर्न इसी तरह का प्रिवेल करेगा तो मैं समझता हूँ ये फ्यूचर में भी जॉनसन है ना आपको यही इसी प्रॉब्लम के साथ आप जो लिव इन करना सीखेंगे, या तो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करेंगे या आप इसी प्रॉब्लम के साथ लिव इन करेंगे। ओके, आई विल गो टू अजीज़ सदीक साहब। अजीज़ साहब, आपने काफी केसेस किए हुए पंजाब गवर्नमेंट पे, ऑरेंज ट्रेन मतलब स्पेसिफिक टू लाहौर ऑरेंज ट्रेन वगैरह पे, तो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द करंट स्मॉग लेवल्स इन पंजाब एंड सिंध, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, सिंध में भी है जी, सक्कर में सुना है बहुत इश्यूज है। देखिए अंजन साहब, आपने बड़ी सीधी सी बात कह रही कि देखिए क्रॉप का एक इशू यही है, पुराना इशू है, कोई नया ऐसा इशू नहीं है, बल्कि आप देखिएगा लाहौर के करीब तो ग्रीन एरियाज है ही कुछ नहीं गए हैं। मैं मेन रीजन आपको बता देता हूँ, सबसे पहला तो मीथेन है, दूसरा वेहिकुलर ट्रांसमिशन है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, डीजल और कोल। अभी तो लाहौर में कोल के प्लांट नहीं लग रहे थे, साहिवाल में अभी लग चुका, अगर लाहौर में लगे होते तो आपको स्मोक ये दिनों की बजाय महीनों में नजर आनी थी। बर्निंग ऑफ वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी ज्यादा, कंस्ट्रक्शन और
ये जो आप अपना ना माजरत के साथ स्टील यूज कर रहे हैं आप, डस्ट और कटिंग ऑफ ट्रीज, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है जी। लाहौर में कनाल रोड वाइडन करने के लिए 2200 दरख्त काटेंगे, मेट्रो के लिए 650 दरख्त काटेंगे, और आप सोच सकती हैं शालीमार गार्डन के करीब 2 दरख्त ऐसे थे जो 450 साल पुराने थे और कोई जरूरत ही, देयर वाज नो नीड। और सबसे जो अहम इशू है कि अप हैजर्ड ग्रोथ जो है ना, यानी लाहौर के साथ इतनी आबादी है, इन्होंने तेजी से हाउसिंग सोसाइटी है, ग्रीनरी खत्म कर दी है, और कुछ ग्रीनरी का डिसएडवांटेज जो है ना, आप इकोलॉजी को बैलेंस करना है और आप इकोलॉजी को बैलेंस कर ही नहीं पा रहे। उसका सबसे मेन रीजन है कि आपने जो कंक्रीट लाहौर बना दिया ना जी, उसमें एक है बाकी अपनी जगह पर है, आपने कितने ग्रीन एरियाज डेवलप करने की कोशिश की है, आपने ग्रीन फुटप्रिंट सारे खत्म कर दिए हैं। और जो सबसे खतरनाक बात है, अगर आप वर्ल्ड बैंक के हवाले से कुछ रिपोर्टिंग अगर देख लें 2015 के हवाले से, उन्होंने बताया 1,56,191 प्री मेच्योर डेथ्स हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। और सबसे जो इसका जो नुकसान हो रहा है ना, वो आपने आगे जीडीपी ग्रोथ के हवाले से भी रखा है, वो 6.6% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी है। और अगर आप यूएनएफ डाटा अगर लें कि 70% रिक्शा वगैरह और ये सारी चीजें अनरजिस्टर्ड हैं, ये कर रही हैं, और क्लीन जो एयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो हम लेके चलना चाहते थे, हमने कोशिश भी की कि हम पेरिस के एग्रीमेंट में हमने साइन भी किया है, जो विजन भी हमने बनाया 2025 का, उसमें भी हमने वो चीजें ऐड नहीं की हैं। आपको 2-3 चीजें पेरिस एग्रीमेंट की बता देता हूँ, एसडीजी 3.9 ऑफ 2013, 11.6 और 12.4, अभी तक हमने वो पेरिस एग्रीमेंट की जो चीजें हैं ना, और ये आने वाले दौर में आपके लिए बड़े नुकसान क्रिएट करेंगे। That's right. Okay, we'll take a short break here. Azizah Sahab, we'll be right back. Khawateen Hazrat, please stay with us. स्मोक में केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स जब जाके उनके उन प्लांट्स पर लगते हैं तो ट्रिपिंग हो जाती है, और जब ट्रिपिंग होती है तो पिछले अगर तो वो इंसुलेटर्स लगा हो तो वो उसी एरिया में ही, मतलब उसी जगह भी ख़त्म हो जाता है, फॉल्ट उसको रिमूव किया जाता कर दिया जाता है। और अगर ना हो तो फिर वो पीछे से जो उनके सिस्टम है पावर प्लांट्स का, उसको जाके वो फोर्स फुली जो है बंद कर ट्रिप कर देता है, इसके बाद फिर उनको प्लांट सारे बंद हो जाते हैं। ऑल दे नीड टू डू इज टू क्लीन इट, मतलब किसी तरह से सफाई की जरूरत है। और जी उनको हर साल जो है चूंकि उसके ऊपर डस्ट बैठ जाती है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें पर, बट दैट डजंट सीम वेरी एक्सपेंसिव। हमारे मुल्क में लेबर का तो शॉर्टेज नहीं है, नहीं इंसुलेटर्स लगाने हैं, लेकिन दो तीन चीजों से, एक तो ये कि ये खुद इनका जो स्टाफ है वो करता है, और एक ये भी तरीका है कि उसके जो है हेलीकॉप्टर्स के जरिए उसको प्रेशर के साथ जो है ना जाके उसके करीब और उनको करते हैं ताकि जो है वो पावर जो है वो ट्रांसमिट हो सके। लेकिन इन ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सके, इसीलिए अब इन्होंने ये किया कि टीम जो है वो चाइना भिजवाई है कि चाइना में भी बीजिंग में तो आप जाकर देखें इतनी ज़्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो उन्होंने डील किया है। कैसे डील किया है, अब इन्होंने भिजवाया कि जाकर देख के आए और यहाँ भी आके फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करें। जी आमिर साहब, ये जो है क्लाइमेट चेंज की सर्टन कंडीशंस थी जो हमें करनी थी और वो हम नहीं कर सके। वो जो यूएन, वो जो ईयू की कन्वेंशंस थी, जीएसपी प्लस स्टेटस जो हमें मिला था ट्रेड का, तो वो नहीं हुआ। उसमें ये है कि जीएसपी प्लस स्टेटस में जो वो रिक्वायरमेंट थी कि जितने भी हमारे कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल यूएन के साथ, वो तो हमने रेटिफाई कर दिए, लेकिन फिर एक अनामली यहाँ पे ये थी हमारी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के साथ कि जो 18th अमेंडमेंट हुई तो उसमें सारे जो ये जो सब्जेक्ट प्रोविंसेस को चला गया, तो फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर आपकी वो लेजान आपने करना था प्रोविंसेस के साथ, तो इन्होंने अप्रैल दिस ईयर इन्होंने एक क्लाइमेट चेंज एक्ट पास करवाया और उसके तहत इन्होंने 3 चीज़ें करनी थी, एक पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनानी थी, एक पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनानी थी, एक क्लाइमेट चेंज फंड बनाना था। मगर ये तीनों अगर बना भी लेते तो बेसिकली व्हाट यू नीड इज दीज टू एम्पावर दीज इंस्टीट्यूशंस, वो तो मेरा नहीं ख्याल हो रहा है। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली इसका पर्पज भी यही था कि वो प्रोविंसेस के साथ लियाज़ान आप बढ़ाएंगे और अडेप्टेशन और मिटिगेशन और इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं वो आप करेंगे, लेकिन अभी तक तो प्रोग्रेस जीरो है। But there's also health implications, smog की। जी, इससे
स्पेशली जो जिन लोगों को दमा है उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल है पीपल लाइक मी, इसीलिए उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार लोगों को कहते हैं कि आप गैर जरूरी बाहर ना निकलें, अगर निकलना है तो आप मास्क पहने और आंखों पे भी इसके असरात बहुत ज्यादा हैं। वो कह रहे जी आप ऐनक पहन के निकले बाहर, तो हेल्थ पे तो काफी ज्यादा है, हेल्थ के भी बहुत ज्यादा है। आई वुड नाउ लाइक टू गो बैक टू डॉक्टर साहब, इसके क्या व्हाट मेजर्स डू वी नीड टू टेक? दिस इज गोइंग टू फर्दर डिवाइड फुली एग्री, लेकिन ये तो अभी से शुरू हुआ है ना, ये कोई पांच साल से तो नहीं चल रहा, ये स्मॉग तो हम जॉनसन है पिछले पांच छह साल से जॉनसन सीजन से देख रहे हैं। इट इज पार्टली ए ट्रांसबाउंड्री प्रॉब्लम, जब तक ये इंडिया को भी उतना ही मसला है जितना हमें तो आ रहा है जॉनसन है, इंडिया के अंदर ये और स्पेरिटी कर रहा है। हमारे पास तो शायद पैसे ना हो, वो तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो तो अपनी वायरल वायरस को साफ भी कर सकते हैं, वो तो और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये ट्रांसबाउंड्री आई थिंक अमंगस्ट अदर थिंग्स जो हमारे इश्यूज वाटर के हैं, दूसरे तो चलते हैं, इसको बैठकर जॉनसन दोनों पार्टीज देखें, हम जो मर्जी कर लें अगर इंडिया जॉनसन इसके अंदर जॉनसन अब पेशरफ नहीं करता तो वी आर नॉट गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। ये कह देना कि जी चार बंदों को नौकरी से निकाल दो जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स डोंट थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। असल चीज यही है कि इसको मिल बैठकर, चाइना की बात किसने की, आई एग्री चाइना के अंदर, लेकिन उसने प्लांट्स भी तो कोई पता नहीं कितने सौ प्लांट्स लगाए हुए हैं। यही कराची में यस्टरडे आई वाज इन कराची गिविंग सेमिनार, उसके अंदर है यही सिचुएशन वहां डेवलप होगी कराची के अंदर। जो आप सिंध की बात कर रहे हैं ना जी, ये बिल्कुल इस बेल्ट के लेकर कराची तक जाएगा, वहां तीन चार प्लांट्स तो आप वहां पर लगा रहे हैं उसको कहते हैं। तो वी नीड टू सिट बैक एंड रीथिंक और स्ट्रेटेजी के लिए, केन्स वाले जो बर्निंग कर रहे हैं इनको हमने अलाउ करनी है नहीं करनी, या इनको कहना किसी और फ्यूल की तरफ जाए, डिक्लेयर मिशन की तरफ। तो कॉम्प्रीहेंसिव है, इसका कोई एक लटमार टाइप सोल्यूशन नहीं है। Let me just come to Ghumman साहब. Ghumman साहब, कोई कह रहे हैं coal fired plants will be actually मतलब बहुत ही ज़्यादा situation ख़राब कर देंगे. Is there any way they can back off from that? कि already too much investment has gone in. Basically तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो इंडिया से भी जो आ रही है ना तीन चार पाँच साल से, उनके राजस्थान में बहुत ज़्यादा coal के पास plant लगे हुए हैं, तो वो पहले तो ज्योति भी सिंध में होती थी। I'll take a short break. We'll come back and we'll ask Ghumman साहब to further elaborate. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी घुमन साहब, तो कोल फायर प्लांट्स राजस्थान में भी हैं, हमारे भी हैं, इट्स अ बिट लेट टू बैक ऑफ, मेरा ये सवाल था आपसे ब्रेक से पहले। अभी तो दो ही हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर अगर बट फीजिबिलिटी स्टडी हो गई है, पीएमएल नवाज गवर्नमेंट इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दे आर कमिटेड। दो पे तो सही वाला तो लग गया, ये दूसरा तो अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट प्रूव ही हुआ जो रहीम यार खां में लगना है। मगर जो इंटीरियर सिंध में थार में लग रहे हैं लोकल कोल से, तो वो तो सारे के सारे मतलब लग रहे हैं, उनका भी जो है इम्पैक्ट तो आएगा। फिर कराची में भी पोर्ट कासम पे लग रहा है, तो इम्पैक्ट तो आना है इनका। जी डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? मेरा तो ख्याल है जी जो वे फॉरवर्ड है, यू इफ यू डन टेकन अ स्टूपिड स्टेप के लिए कोल फायर की तरफ और डर्ट, जिसको हम कहते हैं डर्टी एनर्जी है, यू सिट बैक एंड यू री वैल्यूएट जस्ट बिकॉज वी आर इन सी पैक, हम जो उसको करें जो चाइना का डंपिंग है उसको कहते हैं उसकी अपनी रुमकी से, मैं पिछले साल गया हूँ, आप उतरते हैं तो सबने मास्क पहनी हुई। अगर तो आप ये चाहते हो कि जी सबको दमा हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, आंखें हमारी खराब हो, हमारी जो सी प्रोडक्टिविटी लेबर की है वो 40% कम हो जाए, और कम हो जाए, if you want all those things then we should just go ahead with the continue with business as usual. Ji Azhar Sadiq saab, what do you think is the way forward immediate, ab jo short term mein aap kya kehte hain? देखिए कोल पावर जो सही वाला है वो आज भी अंडर चैलेंज है, और हमने चैलेंज किया, लेकिन इन्होंने बेवकूफ बना के किसी पर सीपे कैसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें एक्चुअली हमें देखिए रीन्यूएबल एनर्जी में अगर जाना है तो हमें आपको आना है हाइड्रो में, आना है आपको आरएलएनजी में, अभी प्लांट लग रही है आपको इस तरफ आना था। कोल प्रोडक्ट जो है वेस्टेड है मनी, ये आपको अबेंडेड करने पड़ने आज और नहीं होता कल। दूसरा वी नीड टू हैव अ क्लाइमेट चेंज के ऊपर मिनिस्ट्री का इशू नहीं है, हमने प्रोविंस में 1800 के बाद सत्यानाश कर दिया। वी नीड टू हैव अ वेरी वेरी डिटेल लॉ, और उसमें एक्सपेलरी पनिशमेंट यानी मिसाल जुदा सजाएं मौजूद हो, और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है आपको ग्रीनरी डेवलप करने के लिए लॉ के हवाले से आपको आना पड़ेगा। और क्लाइमेट अगर चाहती हैं कि ये, और ये दरख्त कटने पे तो बिल्कुल 100% पाबंदी लगा दे, नो नीड, किसी को भी दरख्त काटने की इजाजत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर।
ओके आमिर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अबाउट ये, इन्होंने तो सही कहा है ना जैसा आपने कि एक लॉ होना चाहिए, बट आप कह रहे हैं कि जो रिलेटेड लॉ जो अथॉरिटीज हैं वही नहीं बनी, तो कौन डिसाइड करेगा, व्हाट्स हैपनिंग नाउ? इसमें ये है कि अब यहाँ पे अगर सेनेट में नेशनल असेंबली में बात होती है तो ये कहते हैं ये जी प्रोविंसेस का है, प्रोविंसेस के साथ पर इनकी कोई लेजॉन नहीं है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। व्हाट अबाउट दैट इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन? उसमें एक कमेटी बनी हुई है जिसको हेड कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब, तो उनकी मीटिंग्स ऑफ एंड ऑन होती रहती हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं, अभी भी पिछले दिन वहाँ भी गए हुए थे, यूरोप में भी उनको बता के भी आए, जीएसपी प्लस के हवाले से आप कह रहे हैं, उसके रिव्यू के जिसकी वजह से हमारी थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो स्टेबलाइज हुई हैं जी, तो वो काम तो कर रहे हैं लेकिन ये कि वो जितनी तेजी से करना चाहिए, असल में फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर हो तो वो तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ कर ले, अब ये दूसरों के पास है, अब आपने हर सूबे को कहना है कि जी आपने जो आपको किया था वो किया कि नहीं किया, और सूबाई सूबों के अपने मसले मिसाल हैं, उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज होते हैं और उसमें डिलेज आते हैं, कोई अब वो जाते हैं जाके रख देते हैं, जिस दिन मीटिंग होती है फिर वो तैयारी करके भागना शुरू कर देते हैं कि वहाँ भाई पूछेंगे तो क्या किया हमने, तो इस तरह के मसले मिसाल जी, ये इसी तरह के इश्यूज हैं क्योंकि वो ज़रा आर प्रोविंसेस के फिर अपने प्रोजेक्ट्स हैं, अब जैसे केपी है उन्होंने अपना बिलियन ट्री सुनामी एक एक वो ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट लेकिन नहीं किया, लेकिन नहीं किया ज़रा वो फेडरल गवर्नमेंट का वो पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से ना उसको इन्होंने ऑन किया ना उसको इंटरनेशनली कहीं सेल कर सके, हालांकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था उसके लिए वो कर सकते थे, नहीं किया इसी तरह नहीं, केपी ने अपने रिसोर्सेज से किया लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो ऑन करती और ये जो क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट था इंटरनेशनली उसको सेल करते कि हम ये प्रोजेक्ट और प्रोविंसेस को भी इंकरेज करती किसी तरह, लेकिन वो ज़्यादा नहीं कर सके, जिस तरह करते हैं ना फर्टिलाइजर में कि आप 50-50% सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, उसी तरह इनको अगर ट्रीज पे करें तो आई थिंक इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने एक ग्रीन क्लाइमेट वो एक प्रोजेक्ट दिया था कि वो चारों प्रोविंसेज और फेडरल गवर्नमेंट का शेयर होगा एक ट्री प्लांटेशन का, लेकिन ज़ाहिर है वो प्रोविंसेस ने कहा कि हम अपना अपना कर रहे हैं तो हम इसमें शेयर क्यों डालें। थैंक यू घुमन साहब, थैंक यू आमिर साहब, एंड थैंक यू टू आर टू गेस्ट अजहर सदीक साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो डॉक्टर साहब, आई थैंक यू एज वेल।